अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ वो आज हैं भरी हुई मसाले वाली भिंडियाँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो भिंडियाँ ली हैं। अब दरमियानी साइज़ की आप आधा किलो भिंडियाँ ले लें और भिंडियों को आगे पीछे से काट लें और उसके पेट चेक कर लें इस तरह से, बीच में से इनको खोल लें सारी भिंडियों को। हमें भिंडी को भरने के लिए जो मसाले चाहिए वो आप नोट कर लें। पिसी हुई लाल मिर्च एक खाने का चम्मच, पिसी हुई हल्दी, हल्दी तो अमूमन घर में पिसी हुई ही रखी होती है, पिसी हल्दी एक चाय का चम्मच, लीमू दरमियाने साइज़ का, उसके मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं, नमक हसबे जायका, साबुत धनिया तीन खाने के चम्मच, ज़ीरा एक खाने का चम्मच। हम इन दोनों को साथ मिला के ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करके इसको बारीक पीस लेंगे और इसी मसाले में फिर हम इसी मसाले में शामिल करके एक मसाला बना के फिर हम भिंडियों में भरेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं इसको किस तरह हमें मसाले बनाना है। सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम उसका जो हमें भिंडियों में मसाला भरना है वो हम किस तरह तैयार करेंगे। तो ज़ीरा और धनिया को हमने बारीक पीस लिया है इस फॉर्म में, देख सकते हैं आप। अब हम इसको मसाला तैयार करेंगे। हमें जो बाकी चीज़ें हमने आपको बताई थी वो मिलाएंगे, लाल मिर्ची पिसी हुई, हल्दी पिसी हुई, नमक, लीमू का रस एक लीमू का रस, अगर आपके पास लीमू अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई अमचूर या फिर पिसा हुआ अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं हो तो। एक खाने के चम्मच पानी, पानी आप देख लें जी, आपका पेस्ट बन जाए इतना डालना है हमने। तो हमने इसमें तकरीबन तीन खाने के चम्मच अभी तक पानी डाला है और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और पानी शामिल करेंगे। आप अपने हमने इसमें पाँच से छः खाने की चम्मच पानी शामिल किया। आप अपने पेस्ट के हिसाब से देख लें, अगर आपको ज़्यादा थिक पेस्ट चाहिए तो आप और कम पानी डालें, अगर और पतला पेस्ट चाहिए तो फिर और पानी। पेस्ट आपका कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। भिंडियों के हमने बीच में से पेट चाक कर लिए हैं, खोल लिया है और हम इस तरीके से, और हमने साथ ही साथ इसमें पाँच से छः अदद हरी मिर्ची भी ले ली है और उसकी भी हमने उसकी पेट चाक करके बीच में से खोल दिया है, क्योंकि इसमें अगर हरी मिर्ची भी हम इस तरह से भरेंगे तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो अब हम इसमें मसाला भरेंगे जो हमने मसाला बनाया था, इसका पेस्ट इस तरह से बंद कर दीजिए। इसी तरह हम सारी हरी मिर्ची और भिंडियों के अंदर यही भर लेंगे। हमने पाँच से छः अदद हरी मिर्ची ली हैं, अगर आपको मिर्ची पसंद है तो आप इससे भी ज़्यादा लेके इसमें भिंडियों में शामिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन एक प्याली ऑयल लेके गरम कर लेंगे। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर देंगे और ज़ीरे को थोड़ा हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़ीरा हमारा हल्का हल्का सा सुनहरा हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे जो हमने भिंडियाँ भरी थी। भिंडियों को फ्राई करेंगे।
भिंडियों को हम थोड़ी सी स्टीम देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे, थोड़ी सी फ्राई हो जाए फिर हम इसको स्टीम देंगे। अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक के लिए ढक देंगे और उसके बाद हम देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगती है कि थोड़ी सी और स्टीम दें तो फिर हम थोड़ी सी और इसको स्टीम देंगे। करेंगे कि हमारी भिंडियाँ अगर हो गई हों तो हम इसको फिर सर्व करेंगे। हमारी भिंडियाँ हो चुकी हैं, हम इसको सर्व करेंगे। हमारी मज़ेदार सी भरी हुई भिंडियाँ तैयार हैं, आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको ये ज़रूर डिश ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।